सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे दो गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और दो गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? आज सबसे पहले हिंदी की कक्षा में हम सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी सीख को जानेंगे। उसके बाद हिंदी की कक्षा में एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है जुड़वा बहन। फिर हवा चल रही है के माध्यम से हिंदी को और अच्छी तरह समझेंगे और सीखेंगे अक्षर और 12 खड़ी। फिर एक गेम होगा, मेमोरी गेम, और फिर उसके बाद मिलेंगे अपने दोस्त गणित से और संख्याएं गिनना चैप्टर में सीखेंगे अंकों को। फिर अंत में अंग्रेजी की क्लास में पढ़ाई होगी राइम्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बच्चों, ये है थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई। इस प्रोग्राम को माता पिता अगर अपने बच्चों के साथ देखेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है, पर अगर घर में मस्ती सब मिलकर करेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो चलिए करते हैं शुरू। कहानी से शुरुआत करते हैं और फिर कुछ अक्षर के खेल खेलेंगे। अरे ओ बिट्टो, अब फोन रख भी दो, कब से फोन पर लगी हुई हो? अरे क्या हुआ बिट्टो की मौसी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? देखो ना, सुबह से बिट्टो फोन पर ही लगी हुई है।
पता नहीं कितनी बातें करती है। लो आ गई बिट्टू, अब सामने में ही पूछ लो उससे। कितनी बातें करती हो तुम बिट्टू, कब से कह रही थी फोन रख दो पर तुम हो कि सुन ही नहीं रही थी। मौसी मैंने आपको बताया था ना मेरी सहेली रूबीना की बुआ के बारे में। हाँ बताया होगा लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एक बार फिर से बता दो। रूबीना की बुआ के घर में एक खास बात हुई है, वही देखने के लिए मैंने फोन किया था और मैं फोन से वीडियो कॉल कर रही थी। ऐसी क्या बात है बिट्टो, हमें भी तो बताओ। काका उसकी बुआ की दो जुड़वा बेटियां हैं जो बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। तो इसीलिए तुम उनको देखने के लिए इतनी उतावली थी। हाँ मौसी मैंने उन्हें वीडियो कॉल पर ही देख लिया था और उनसे थोड़ी सी बात भी की। तो हमें भी बता देती, अरे हम भी तो देख लेते कि कैसी लगती हैं दोनों साथ साथ। इन दोनों जुड़वा बहनों के बारे में जानकर तो मुझे वो कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? अरे वही बिट्टू के काका दो जुड़वा बहनों वाली कहानी। अरे मौसी पहेलियां मत बुझाओ, मुझे भी वो कहानी सुनाओ ना। ठीक है तुम कहती हो तो सुना देती हूँ, कहानी का नाम ही है जुड़वा बहने। जुड़वा बहने। सिम्मी और निम्मी जुड़वा बहने थीं। वे हमेशा एक जैसी हरकतें करती और खुश रहती। सिम्मी रोती तो निम्मी भी रोने लगती। सिम्मी बकरी के बच्चे को गोद में उठाती तो निम्मी भी ऐसा ही करती। आईना भी साथ साथ निहारती। सोते हुए दोनों सपने भी एक जैसे देखती। दोनों दिन भर एक दूसरे के साथ खेलती। चिड़िया और गिलहरी के साथ खेलने में उन्हें बड़ा मजा आता। पेड़ की डाली पर बैठकर चिड़ियों से बातें करना भी उनकी रोज की आदत थी। रात में दोनों एक दूसरे से लिपट कर सोती। हर सुबह दोनों जल्दी जागती और घर में धमाल मचाने की सोचती। इस तरह जुड़वां बहनों का जीवन मजे में बीत रहा था। क्यों बिट्टू, क्या रूबीना की बुआ की बिटिया ऐसी ही करती हैं क्या? पता नहीं काका, मैंने तो बस उन्हें देखा ही और अभी बस थोड़ी सी ही फोन पर बात हुई है। लेकिन तुम्हारी मौसी का भी जवाब नहीं। तुमने रूबीना की जुड़वा बहनों की बात की और तुम्हारी मौसी ने एक बढ़िया सी कहानी सुना दी। शुक्रिया बिट्टू की मौसी इस प्यारी सी कहानी के लिए। चलिए अच्छी बात है, मेरी कोई बात तो आपको अच्छी लगी। अब इस कहानी पर बात करते हैं। बिट्टू कहानी में जुड़वा बहनों के क्या नाम थे? मौसी उनका नाम था सिम्मी और निम्मी। बहुत बढ़िया बिट्टू, अब मैं भी कुछ पूछूं। मैं भी तो देखूं कि तुमने कहानी कितने ध्यान से सुनी है। तुम फिर बिट्टू का टेस्ट लेने लगे? अरे मैं टेस्ट वेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि बिट्टू को कहानी समझ में आई या नहीं। हाँ हाँ काका पूछिए ना, मैं सब बता दूंगी, मैंने बहुत ध्यान से कहानी सुनी है। तो बताओ दोनों को किसके साथ खेलने में मजा आता था? काका उन्हें गिलहरी और चिड़िया के साथ खेलने में मजा आता था। अच्छा बिट्टू के काका तुम एक बात बताओ, सिम्मी और निम्मी की रोज की आदत क्या थी? उनकी रोज की आदत थी पेड़ की डाल पर बैठी चिड़ियों से बातें करना। उसी तरह जैसे आपकी रोज की आदत है अनिल चाचा की दुकान पर जाकर चाय पीना और अखबार पढ़ना। हा हा हा, ये बात तो सही है बिट्टू, पर बिट्टू तुम्हारी रोज की आदत क्या है? मौसी पता है मैं रोज चिड़ियों और चींटियों को खाना खिलाती हूँ। अरे वाह बिट्टू, ये तो बहुत ही अच्छा काम करती हो तुम। अरे बिट्टू ये तुम कब करती हो, हमें तो पता ही नहीं चला। बताना तो चाहती थी लेकिन हमेशा भूल जाती थी। चलो कोई बात नहीं, काम तो तुमने बढ़िया किया है। जानती हो मौसी मेरी सहेली की भी एक आदत है, रोज कहानी पढ़ने की आदत। अरे आज बस बातें ही होंगी या कुछ खेल भी होगा? हा हा हा, बिट्टू के काका खेल भी होगा। खेल तो खेलने का मन है पर आज बहुत गर्मी लग रही है।
अरे बिट्टू, तो चलो दरवाजे पर जो नीम का पेड़ है उसके नीचे बैठते हैं और खेल खेलते हैं। बड़ा मजा आएगा वहाँ पर। हम वहाँ जा तो रहे हैं, पर वहाँ हवा नहीं चल रही होगी। वहाँ तो धूप के मारे और बहुत गर्मी लगने लगेगी। आप दोनों रुकिए, मैं देख कर आती हूँ हवा चल रही है या नहीं। ठीक है बिट्टू। काका और मौसी, चलो चलो, पेड़ के नीचे छांव भी है और पूरब की तरफ से हवा भी आ रही है। फिर तो चलो वहीं बैठते हैं और खेलते हैं। आ हा 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 हा, यहाँ तो बहुत सुकून है। हाँ मौसी, जब गर्मी से राहत मिल गई तो चलो खेल शुरू करते हैं। हाँ तो देर किस बात की है, एक मिनट रुको बिट्टू, अभी तुम क्या कह रही थी, यही ना कि हवा चल रही है। हाँ मौसी। तो शुरू करते हैं आज का खेल, इसी नाम से, मेरा मतलब है खेल का नाम है हवा चल रही है, हवा चल रही है। अभी हमें खेल खेलेंगे हवा चल रही, ठीक है? तो अभी मेरे पास कार्ड है ना, सबको ये कार्ड दे देंगे, ठीक है? फिर जैसे हम बोलेंगे हवा चल रही, तो आपको बोला है कहाँ चल रही, कहाँ चल रही है। तो इसके बाद सबको कार्ड देने से हमने बोल दिया क्या में चल रही, तो जिसके पास क्या होगा वो बीच में आएगा, मैं टा हूँ, ठीक है? हवा चल रही, चाप चल रही, हवा चल रही, बिट्टू के काका, खेल तो आपने देख लिया। वाह मौसी, मेरी तरह छोटे छोटे बच्चे भी खेल का मजा उठा रहे थे। काका, हम भी खेलें ये खेल? हाँ हाँ, जरूर खेलते हैं, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए क्या? काका, इसके लिए हमें चाहिए अक्षर के कार्ड। तो चलो बना लें, लेकिन कार्ड बनेंगे कैसे? अरे ये तो बहुत आसान है बिट्टू के काका, छोटे छोटे टुकड़े करो और उन पर अलग अलग अक्षर लिख दो, बन गए अक्षर कार्ड। हाँ मौसी, ये तो आपने बहुत ही आसानी से बता दिया। अब कार्ड बन गए हो तो खेल शुरू करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं शुरू करती हूँ। हवा चल रही है। मौसी, कहाँ चल रही है, कहाँ चल रही है? पॉपर चल रही है। ठीक है, मैं बताती हूँ, ये रहा पा। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत ही आसानी से खेल खेल लिया, अब मेरी बारी है। ठीक है काका। हवा चल रही है, कहाँ चल रही है? म पर चल रही है। ये रहा म। अरे वाह मौसी, आपने तो बहुत अच्छे से ये खेल खेल लिया। अब तो मेरा और भी नए नए खेल खेलने का मन कर रहा है। टीवी के सामने बैठे इस प्रोग्राम को देख रहे हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, जब तक तुम्हारी मौसी कोई नया खेल सोचे और खेलने के लिए कहे, आप लोग जल्दी से अपने अपने घरों में ये खेल जिसका नाम है हवा चल रही है खेलो और मजा लो।
अगर आप अभी नहीं खेलना चाहते हो तो शो के बाद तो जरूर खेलना। मौसी, मुझे एक बड़ा रोचक खेल का आइडिया आया है, वो खेल खेलें क्या? बिटिया, कोई अक्षर वाला ही खेल खेलना, मुझे अक्षर वाले खेल में बहुत मजा आता है। ठीक है काका। मौसी, क्या आप तैयार हो? हाँ बिट्टू, मैं तैयार हूँ, लेकिन कोई ऐसा खेल खिलाना जिसमें इन अक्षर कार्ड का इस्तेमाल भी हो, जैसे हवा वाले खेल में हुआ है। आपने तो मेरे मन की बात कह दी मौसी, मैं भी यही बोलना चाहती थी। ठीक है बिट्टू, अब खेल को शुरू करो, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, लेकिन आप दोनों खेल खेलने से पहले यह वीडियो देख लीजिए, फिर आपको खेलने में आसानी होगी। राजा, आपको गापे कूदना है, गापे कूदो। हाय अक्षर, दिखाओ सबको, कौन सा अक्षर है ये? वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। निर्मल, आपको चाय पे कूदना है, आप दो बार में भी कूद सकते हैं। कौन सा अक्षर है ये? वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाओ। दिशा, आपको माँ पे कूदना है, कौन सा अक्षर है ये? माँ। इन्होंने कौन से अक्षर पे कूदा है? माँ। वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाओ। अभी देखा ना आपने कैसे दिशा ने किस पे कूदा था? माँ। कौन सा अक्षर उसको बोलते हैं? माँ। वेरी गुड, फिर ताली बजाते हैं। अरे वाह, इसमें तो बच्चे लंबी लंबी छलांगे लगाकर अक्षर पर कूद रहे थे। क्यों मौसी, खेल देखने में मजा आया ना? हाँ हाँ, बहुत मजा आया। काका, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बिट्टू, खेल देखकर तो मेरा भी उछलने और कूदने का मन कर रहा है। अरे, खेल तक तो सही है, लेकिन ज्यादा कूदा फांदी मत करना, पता चले उल्टे लेने के देने पड़ जाएं। वैसे भी बुढ़ापे में ये सब शोभा नहीं देता। मौसी, आप चिंता मत कीजिए, काका अभी भी बहुत मजबूत हैं। हाँ हाँ, दिख रहा है, एक सीढ़ी चढ़ने में तो इनकी सांस फूल जाती है। आए बड़े मजबूत वाले। काका मौसी, मैं सारी पर्चियों को इकट्ठा करके लाई हूँ, चलो खेल शुरू करते हैं। बिट्टू, पहले इन पर्चियों को एक एक करके जमीन पर रखना होगा, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। तुम फिर मजाक करने लग गए। काका एकदम सही पकड़े हैं, आजकल हर चीज में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी है। अच्छी बात है बिट्टू की मौसी, तो मैं एक साथ तीन अक्षर बोलूंगा, सभी अक्षरों पर बारी बारी से कूद कर दिखाना होगा। हाँ, अगर तुम कूद नहीं सकती हो तो सभी अक्षर उठाकर दिखा दो। आप बोलिए तो सही, देखना मैं फटाक से बता दूंगी। तो ये लो तुम्हारे लिए अक्षर हैं, घ, ब और ट। ये रहे तीनों अक्षर। वाह वाह मौसी, बिल्कुल सही अक्षर उठाया आपने। अब बिट्टू के काका आपके लिए अक्षर हैं ह, न, य। तो ये रहे अक्षर ह, न और य। अरे वाह बिट्टू के काका, तुमने भी बहुत जल्दी बता दिया। वाह काका, अब बिट्टू को मैं अक्षर दूंगी, तुम्हारे लिए अक्षर है ग, म, थ। यह रहा ग। अब मुझे कूदना है अगले अक्षर पर, और वो है म। तीसरा अक्षर है थ। कहाँ है थ? थ, अरे वो रहा अक्षर थ। लीजिए, मैं तीनों सही अक्षरों पर कूद कर ले आई ये तीनों अक्षर। वाह बिटिया, तुमने तो हमसे भी जल्दी कर दिया। चलो, हमने तो ये खेल खेल लिया, अब आपकी बारी है प्यारे प्यारे बच्चों, पहले अक्षर कार्ड बनाओ और फिर इस खेल को अपने अपने घर में खेलो, मजा आएगा। चलो, इतने बच्चे इस खेल को खेलें, हम भी कुछ और खेलते हैं। बिट्टू की मौसी, खेल क्या है ये तो बताओ। बिट्टू, अभी तुम्हारे काका तुमको एक वाक्य बोलेंगे और उस वाक्य में तुमको एक अक्षर दिखेगा, तुमको अंदाजा लगाना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है मौसी। अच्छा बिट्टू,
हम बा जाएंगे। क्या मतलब? काका ये ब क्या है? अरे बा, अब तुम बताओ हम कहाँ जाएंगे? अच्छा अच्छा, बादल पर जाएंगे? नहीं नहीं। तो फिर बैलून लेने जाएंगे? नहीं। अरे अच्छा, समझ में आया, बाजार जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही, बाजार से तुम्हारे लिए कन लाएंगे। कं का मतलब क्या? ओ, कलम? नहीं। काजल? हम्म। ओ, कड़ा? नहीं। किताब? ये भी नहीं। तो ककड़ी होगा? बिल्कुल नहीं। ओ, अच्छा कंचा? कंचा, अरे वाह बिल्कुल सही। बाजार से हम तुम्हारे लिए अ भी खरीद कर लाएंगे। मौसी अब तो मुझे बहुत दिमाग लगाना होगा। अ मतलब आम? आम ना। नहीं। तो फिर आलू चिप्स? नहीं। ये भी नहीं। अच्छा तो आंवला? बिल्कुल नहीं। आंवला भी नहीं। तो अंगूर? नहीं। अंगूर भी नहीं। अनन्नास? अरे वाह बिल्कुल सही। मौसी आप तो मेरे लिए अनन्नास लाओगी। काका क्या आप मेरे लिए र लाओगे? क्या बिट्टू, थोड़ा जोर से तो बोलो। र काका, र। अच्छा र, हाँ बिट्टू लाऊंगा मैं। पर क्या काका? रंग? नहीं। रुमाल? ना। रेशम? नहीं। रसगुल्ला? अरे वाह काका बिल्कुल सही। लेकिन बिट्टू अभी लॉकडाउन चल रहा है, मिठाई की दुकानें बंद हैं। अगली बार मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ला जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है काका। अरे मौसी मेरा आ तो दे दीजिए, अब मैं चली। क्या दूं और कहां चली? अरे मौसी आम। अरे अंदर रखे हैं बहुत सारे, ले लो। और मैं चली आम खाने। अरे अरे अरे, ऐसा कैसे? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं खाऊंगा आम? रुको बिटिया मैं भी आता हूँ। प्यारे बच्चों, जब तक बिट्टू आम खाए, आप लोग अपने अपने घरों में ये खेल खेलिए और मजा लीजिए। अब बारी है गेम खेलने की। आज के गेम का नाम है मेमोरी गेम। मेमोरी हिंदी में हम यादें या याद रखने की क्षमता को कहते हैं। इस गेम में भी हमें कुछ चीजें याद रखनी होंगी। चीजों को याद रखना आसान काम नहीं है, यह गेम शायद डिफिकल्ट हो सकता है, पर हम कोशिश जरूर करेंगे। देखते हैं मेरी मेमोरी कितनी शार्प है। अरे वाह, इस गेम का चित्र तो बहुत ही दिलचस्प है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम 5 सेकंडों के लिए आपको कुछ चित्र दिखाएंगे, उनके स्थान याद रखना है एवं चित्र को पलटने पर उनकी उचित जोड़ियां लगानी है। यानी हमें चित्र और उनकी जोड़ियां याद रखनी है। यह तो सच में मेमोरी को चलाने वाली गेम है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हमें दो चित्र दिए गए हैं, कबूतर और मुर्गा। इनको क्रम में याद रखना है। इन दोनों के चित्र तो एक के नीचे एक दिए हैं। अभी हमारा चित्र पलट गया है। अभी हमें याद करके उनकी जोड़ियां लगानी है। पर जैसे हमें याद है चित्र एक के नीचे एक हैं, तो हम आसानी से जोड़ी बना सकते हैं। पहले कबूतर की जोड़ी बनाते हैं। अभी मुर्गे की जोड़ी बनाते हैं। हुर्रे, हमारा जवाब सही आया। अब अगला स्तर खेलते हैं। यह स्तर थोड़ा कठिन लग रहा है। हमें इसमें 3 चित्र दिख रहे हैं, तोता, केला और मोर। इनकी जोड़ियां याद रखते हैं। ओ नो, टाइम खत्म, चित्र पलट गए। पर कोई बात नहीं, जोड़ियां याद हैं। पहले तोते की जोड़ी बनाते हैं। एक तोता ऊपर तो दूसरा तोता उसी लाइन में क्रॉस। अरे वाह, सही पहचाना हमने। अब केले की जोड़ी बनाते हैं। केले की एक जोड़ी लाइन के शुरुआत में है, तो एक बीच में। हुर्रे,
हमारा जवाब सही है। अभी बारी है मोर की। मोर तो एक के नीचे एक थे, तो हमारा जवाब भी सही है। अरे वाह, हमने तो सारे जवाब सही दिए। देखा हमारी मेमोरी कितनी शार्प है। चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। अब हमें वापस दो चित्र दिख रहे हैं, सांप और गाय। जोड़ी याद कर ली? चलिए पहले सांप की जोड़ी बनाते हैं, फिर गाय की। हम जीत गए। यह चित्र की जोड़ियां तो काफी आसान है। केले चित्र बाजू में है, चिड़िया और बिल्ली की चित्र एक के नीचे एक हैं। चित्र पलट गए। चलिए जोड़ियां लगाते हैं। अरे वाह, सारे जवाब सही, कमाल है। हम ऊंट और पांडा की जोड़ी लगानी है। वाह, वह तो बाजू बाजू में ही है। चलिए जोड़ियां बनाते हैं। अब हमें भालू, तोता और मोर की जोड़ी बनानी है। थोड़ी मुश्किल है, पर हमने उसके स्थान याद कर लिए हैं। चलिए जोड़ियां लगाते हैं। अरे वाह, जीत गए। मुझे तो यह गेम खेलकर मजा आ गया। आशा करती हूँ आपको भी यह गेम मेरे साथ खेलकर मजा आया होगा। आप भी यह गेम खेलिए और आपकी मेमोरी को चेक कीजिए। तो आप लोगों ने कहानी सुनी और कुछ अक्षर के खेल भी खेले। अब हम लोग अंकों के साथ खेलेंगे। हो जाए शुरू। आप लोगों को गिनती आती है? वही 1 2 3 वाली। मुझे तो और भी गिनती आती है। क्यों, आप लोगों को नहीं आती? जैसे सोमवार, मंगलवार। क्या कह रहे हैं, ये गिनती नहीं है? अच्छा तो फिर जनवरी, फरवरी, वो भी नहीं है। चलिए इसी बात पर गिनती और गणित सीखते हैं, पर खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम वापस आ गए हैं इस गेम को लेकर जिसका नाम है दौड़। कछुए और खरगोश की कहानी तो आपको पता ही है। मानते हैं कि कछुआ मेहनती था और धीरे धीरे चलता रहा, इसलिए पहुंच गया अंतिम रेखा तक पहले। मगर खरगोश भी तेज था और वो आलस में सो गया। बस इसके लिए वो रेस हार जाए, ये उसको मंजूर नहीं था। तो उसने एक बार और रेस लगाने की ठानी है। इस बार खरगोश बेचारे की आप हेल्प करेंगे? खरगोश को अंतिम रेखा तक कछुए से पहले पहुंचाने में हमारी मदद करें। चलिए खरगोश को गाजर खिलाते हैं, जिससे वो जल्दी जल्दी दौड़े। खरगोश को गाजर दो। एक। अभी खरगोश को एक ही गाजर चाहिए। सात। सात गाजर। सात कौन सी हैं? ऊपर वाली गिनती हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ये ऊपर वाली गाजर सात है, ये गिनती। पाँच। पाँच। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये पाँच है, यही होगा। चार। यहाँ चार गाजर हैं, ये दूसरा वाला होगा। एक, दो, तीन, चार। एक। आखिरी वाला एक है। कछुआ पहुंचने वाला एक है। एक। लास्ट वाला है। ओ, बहुत ही बाल बाल बचे। मुझे नहीं लगता ऐसे तो हम अगली बार जीत पाएंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तभी जीत पाएंगे। कैसी मेहनत? अरे अगली बार थोड़ा जल्दी जल्दी गिनेंगे, तभी खरगोश को हम अगली बार भी जिता पाएंगे। इस बार तो बड़ी टक्कर की लड़ाई हो गई थी। खरगोश को गाजर दो। पांच। पांच गाजर। पहली रो में तो एक ही गाजर है, दूसरी गिनते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये वाला होगा। सात।
पहली रो या आखिरी रो, इन्हीं में से कोई एक होगी। पहली वाली गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 6 हैं, इधर 2 हैं, तो इधर 7 होंगे। गिनने का दोबारा टाइम नहीं है, हमारा खरगोश हार जाता। 7, ये आखिरी वाली होगी, इधर तो कम लग रही हैं, ये आखिरी वाली देखते हैं। ओहो, ये तो बहुत जल्दी जा रहा है। 4, ये बीच वाली 4, जल्दी जल्दी। 4, ये लास्ट वाली 4 है। 6, ओहो कौन सा 6 होगा, हो सकता है ऊपर वाला हो। ये तो 7, ओहो ओ हार गए। मैंने कहा था ना गिनना जल्दी चालू करिए, ऐसे धीरे धीरे गिनेंगे तो हमारा खरगोश हारता रहेगा। चलिए दोबारा ट्राई करते हैं, इस बार सही से खेलिएगा। खरगोश को गाजर दो, 2 आखिरी वाली, 3 ऊपर वाला, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऊपर में तो 6 हैं, इधर 1 कम लग रही है, ये होगा 3, 1, 2, 3, हाँ यही है 2, ये तो दिख रहा है आखिरी वाले 2 हैं, 4, आप देख रहे हो इस बार हमारा खरगोश कितना जल्दी भाग रहा है, इधर तो 1 है, यहाँ पे 4 लगते हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 हैं, यही सही जवाब होगा। इस बार हम जीत गए, बढ़िया, और इस बार तो बहुत लंबे मार्जिन से जीते हैं। अब हम इस खेल में पक्के हो गए हैं, अब कछुआ हमें नहीं हरा पाएगा, एक बार और खेलेंगे और कछुए को दोबारा धूल चटाएंगे। खरगोश को गाजर दो, 3, 1, 2, 3, ये बीच वाला 3 लग रहा है ना, ऊपर वाला तो 4 है, 1, 2, 3, 4, ये बीच वाला 3 है, इस पे क्लिक करते हैं, लेट कर दी। 5, 1, 2, 3, 4, 5, ऊपर वाली 5 है, 1 आखिरी वाली 1 है, बस आगे ही निकल गए, 2, 2 ये वाला, ओहो ये तो बहुत तेज चल रहा है, 1 आखिरी वाली, जल्दी आंसर करना पड़ेगा, 6 दोस्तों, ओहो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ऊपर वाला 6, ओहो बाल बाल बच्चे मगर जीत गए। ऐसे ही बार बार गिनती करना सीखेंगे तो खरगोश को गाजर खिला पाएंगे और खुद भी गिन पाएंगे कि कितनी गाजर, कितनी रोटी और कितने आलू खाते हो आप। चलिए गिनने का अभ्यास घर पे करते रहिए और अपने आसपास वालों को भी गिनना सिखाइए, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? यह जोड़ और घटाव पर एक और नया मजेदार वीडियो है। आपने पिछले सप्ताह देखा होगा कि जोड़ना और घटाना कैसे करना है। इस बार आप कोशिश करना कि जोड़ और घटाव अपने मन से करो। बस संख्या 93 बहुत व्यस्त रहती है, यह बड़े बड़े शहरों को जाती है और लोगों को अलग अलग स्थानों पर छोड़ देती है जहां भी वे जाना चाहते हैं। आज बस नंबर 93 अपने पहले स्टॉप पर आ गई है। सभी यात्री बस का इंतजार कर रहे हैं, वे एक एक करके बस में चढ़ना शुरू कर देते हैं। सभी यात्री अब बस में चढ़ गए। बस चालक लोगों की संख्या गिन रहा है, उसने गिना है कि बस में कुल 10 लोग हैं। बस चालक ने बस धीरे धीरे शुरू कर दी है और अगले स्टॉप तक आने से पहले रास्ते में कार, बस, पेड़, ठेले, गाड़ियां गुजरती हुई दिख रही हैं। इस स्टॉप पर बस के 2 लोग उतर गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बस में अब कितने लोग बचे? बस में 10 लोग थे और 2 लोग बस से उतर गए हैं, तो बस में 10 से ज्यादा होंगे या 10 से कम लोग होंगे? हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। आप बस में 10 से कम लोग होंगे क्योंकि 2 लोग कम हो गए हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें घटाव करने की जरूरत होगी। हमें 10 से 2 घटाना चाहिए। 10 लोग तो पहले से थे, 2 लोग बस स्टॉप पर उतर गए, तो आप रहे बस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
और ये 8 लोग, तो इसका मतलब है कि 10 घटाव 2 बराबर 8 होता है। अगला स्टॉप आने तक बस धीरे धीरे चलती रहती है। इस स्टॉप पर एक लड़का बस में चढ़ गया, तो अब बस में कितने लोग बचे? बस में 8 लोग थे और एक व्यक्ति और बस में चढ़ा है, तो आप बताइए 8 लोग थे, एक व्यक्ति बस में चढ़ा, तो 8 से ज्यादा होंगे या 8 से कम? क्योंकि एक व्यक्ति बस में चढ़ा है इसलिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें 1 से 8 को जोड़ना होगा। तो इस तरह अब हमें मिले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 लोग, तो इस तरह बस में अब 9 लोग होंगे। तो इसका मतलब है कि 8 + 1 = 9 होता है। इसके बाद बस धीरे धीरे चलती रहती है जब तक कि वह अगले स्टॉप पर ना पहुंच जाए। अगला स्टॉप आ गया, यहाँ पर 3 लोग बस से उतर गए, तो अब बस में कितने लोग हैं? बस में 9 लोग तो सवार पहले से थे और अब 3 लोग बस से उतर गए हैं, तो बताइए कि बस में 9 से ज्यादा होंगे या 9 से कम? हाँ, अब बस में 9 से कम लोग होंगे क्योंकि 3 लोग बस से उतर गए हैं। इसलिए अब हमें क्या करने की आवश्यकता है? घटाव करने की आवश्यकता है। हमें 9 से 3 को घटाना चाहिए। तो इस तरह 3 उतर गए हैं, तो अब बचे 1, 2, 3, 4, 5 और ये टोटल 6 लोग। तो इसका मतलब है कि 9 - 3 = 6 होता है। आप देखिए बस अगले स्टॉप तक पहुंचने से पहले चल ही रही है। ये आया अगला स्टॉप, 2 लोग यहाँ से बस में से उतर गए हैं, तो अब बस में कितने लोग होंगे? बस में 6 लोग तो पहले से थे और 2 लोग बस से उतर गए, तो आप बताइए कि 6 से ज्यादा है या कम? हाँ, लोग तो अब 6 से कम होंगे क्योंकि 2 लोग बस से उतर गए हैं, तो हमें घटाव करने की जरूरत है। हमें 6 में से 2 को घटाना होगा। 6 लोग तो थे, 2 उतर गए, अब बचे 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब है कि 6 - 2 = 4 होता है। बस अगले स्टॉप तक पहुंचने तक चलती ही रहती है। देखिए अगला स्टॉप भी आ गया। इस स्टॉप पर 5 लड़के बस में चढ़ गए हैं और अब बस में कितने लोग होंगे? बस में 4 लोग थे और अब बस में 5 लोग और सवार हो गए, तो इस तरह 4 से ज्यादा होंगे या कम? हाँ, 4 से ज्यादा ही होंगे क्योंकि बस में अब 5 लोग और आ गए हैं। इसलिए हमें इसके लिए क्या करना होगा? बिल्कुल सही है आप, हमें 5 से 4 को जोड़ना होगा। तो इस तरह अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 लोग होंगे, तो इसका मतलब है कि 4 + 5 = 9 होता है। इस तरह बस अपने आखिरी स्टॉप तक पहुंचने से पहले तेजी से भाग रही है। देखिएगा सबको पीछे कर देगी आज। और आखिरकार आखिरी बस स्टॉप आ ही गया, सभी लोग यहाँ बस से उतर गए, तो अब बस में कितने लोग हैं? देखिए बस में 9 लोग तो सवार थे और सभी के सभी उतर गए, तो हमें 9 से 9 को घटाना होगा। 9 लोग तो पहले से थे, सभी उतर गए, तो बस में अब 0 लोग होंगे ना, तो इसका मतलब हुआ कि 9 - 9 = 0 होता है। तो बच्चों आज आपको भी उतना ही मजा आया ना जितना मजा मुझे आया। मुझे यकीन है कि आपको भी बड़ा मजा आया होगा। तो इस तरह से नए नए तरीके से जोड़ घटाव करते रहिए और सीखते रहिए, और ध्यान रखिए अगली बार सफर में जाएं तो जोड़ घटाव जरूर करें। फिर मिलते हैं। चलो दोस्तों, वक्त हो गया है वक्त के साथ खेलने का। नहीं समझे? घड़ी देखी है? घड़ी हमें क्या बताती है? घड़ी हमें समय बताती है, और इस खेल में हम घड़ी देखना सीखेंगे। घड़ी की आवाज कैसी होती है?
घड़ी की आवाज होती है टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। बस यही नाम है हमारे खेल का, टिक टॉक। इस खेल को खेलकर आप घड़ी में समय यूं ही देखकर बता पाओगे। चलिए खेलते हैं समय के साथ। मजाक कर रही हूँ, खेलते हैं टिक टॉक खेल। कैसे खेलेंगे? स्टार्ट आइकन पर क्लिक करें, आपको एक घड़ी दिखाई देगी। घड़ी के दाईं ओर आपको अंकों में समय लिखा हुआ दिखाई देगा। जब आप नीचे दिए स्टार्ट आइकन पर क्लिक करेंगे तो घड़ी की सुइयां घूमेंगी। सही समय होने पर स्टॉप आइकन पर क्लिक करें और सुइयों का घूमना रोकें। उत्तर सही होने पर पंछी चहकेगा, उत्तर गलत होने पर गुस्सा होगा। आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना कैसे खेलना है? चलिए चालू करते हैं। 2:55। घड़ी खेलने के कुछ बातें हमने पिछले हफ्ते सीखी थी, एक बार उन्हें दोहरा लेते हैं। घड़ी में 2 सुई होती हैं, एक बड़ी सुई और एक छोटी सुई। छोटी सुई घंटे बताती है और बड़ी सुई मिनट्स बताती है। यहाँ पे 2:55 बोले गए हैं, यानी 2 घंटे 55 मिनट। तो छोटी सुई जो कि घंटे की सुई है उसको होना चाहिए 2 पर, और बड़ी सुई जो कि मिनटों की सुई है उसको होना चाहिए 55 पर। 55 तो घड़ी में कहीं हो ही नहीं रहे। बड़ी सुई के लिए हर एक संख्या उसकी 5 गुना के बराबर होती है। तो अगर बड़ी सुई 1 पर है तो वो 1 × 5 5 पर है। अगर वो 2 पे है तो 2 × 5 10 पर है। ऐसे ही आप आगे बताओगे, मेरे साथ 5 का पहाड़ा गिनते जाओ और बताते जाओ कि बड़ी सुई कौन से नंबर पर क्या दर्शाती है। तो 1 पर वो 5 दर्शाती है, 2 पे 10, 3 पे 3 × 5 15, 4 पे 4 × 5 20, 5 पे 5 × 5 25, 6 पे 6 × 5 30, 7 पे 7 × 5 35, 8 पे 8 × 5 40, 9 पे 9 × 5 45, 10 पे 10 × 5 50 और 11 पे 11 × 5 55 और 12 पे 12 × 5 60। 60 और शून्य, ये 12 वाली बिंदु 60 भी और शून्य भी दोनों ही दर्शाती है। अच्छा तो दोस्तों, अभी आपने बताया कि 55 कहाँ दिखेगा? 55 दिखेगा 11 पे। तो बड़ी सुई को 11 पे होना चाहिए। समझ गए ना? चलिए सुई को आगे बढ़ाते हैं और 11 पर लेके जाते हैं। चिड़िया बहुत बढ़िया चहकाई। दोबारा करते हैं। अब हो रहे हैं 7:20, यानी 7 घंटे और 20 मिनट। छोटी सुई घंटों वाली तो 7 पर है और बड़ी सुई को हमें 20 पर लाना है, यानी 4 पर लाना है। चलिए 5, 10, 15, 20। अब हो रहे हैं 1:45, यानी 1 घंटा 45 मिनट। घंटों की सुई जो कि छोटी और मोटी होती है वो तो 1 पर ही है, लंबी और पतली वाली मिनटों की सुई 12 पर है। इसको हमें 9 × 5 45 पर ले जाना है, यहाँ पर। ठीक है चालू करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। मुझसे जल्दी दब गया। एक बार और कोशिश करते हैं। 7:15, यानी घंटों की सुई 7 पर जो कि है और मिनटों की सुई 15 पर। खेलते हैं। 5, 10, 15। भाई वाह, इस बार हमने ठीक कर दिया। अब है 5:30, 5:30, यानी 5 घंटे 30 मिनट। छोटी सुई तो 5 पर अभी भी है, बड़ी सुई को हमें 30 पर ले जाना है, यानी 6 × 5 30 पर ले जाना है। तो चालू करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30। इस बार हमने समय को पकड़ लिया। चलिए एक बार और खेलते हैं।
4:25 छोटी सुई तो 4 पर है, अब बड़ी सुई को 25 पर लेके जाना है। पहुंच गए 2:55 छोटी सुई 2 पर और बड़ी सुई 55 पर। 55 पर बड़ी सुई यानी 11 पर। चलिए चालू करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। भाई वाह, ये गेम खेलकर तो मुझे मजा आ गया। घड़ी देखना भी सीख गए। अब अगली बार जब भी मम्मी पूछेंगी कि बताओ टाइम क्या हो रहा है, तो मैं यूं ही फट से जवाब दे दूंगी। आप दे पाओगे? चलिए अभ्यास करेंगे तो जरूर दे पाएंगे। आपको खेतों में घूमना पसंद है? खेत को अंग्रेजी में फार्म कहते हैं। खेतों में हमें क्या क्या चीजें देखने मिलती हैं? फसल, मिट्टी और कुछ पंछी। इन सब के अलावा भी हमें बहुत से जानवर दिखते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली और बहुत कुछ। क्या आपने कभी उनकी आवाज सुनी है? हमें इसराइल में दादाजी के फार्म में रहने वाले जानवर और उनकी आवाजों के बारे में बताया है। तो चलिए राइम सुनते हैं, जिसका नाम है माय ग्रैंडफादर। आप यह राइम फिर से सुनना चाहोगे? चलिए फिर से एक बार सुनते हैं। यह राइम सुनके तो मजा आ गया। आप भी खेतों में जाकर नई नई आवाजें सुनिए और उनकी लिस्ट बनाइए और सबको सुनाकर मजे कीजिए। तो कैसा लगा ये प्रोग्राम आपको? वैसे अगर देखा जाए तो पढ़ाई और मस्ती में कुछ खास अंतर नहीं है। अगर दोनों को मन लगाकर करो तो बहुत मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ, हम कल फिर मिलेंगे इसी वक्त यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। Yeah, I'll do it.
आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से e-lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।